लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के कितने महीने तक शारीरिक संबंध बनाना सुरक्षित होता है। ये बहुत सारी महिलाओं ने हमें पूछा है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं अपने जीवन के सबसे खूबसूरत पलों को जी रही होती हैं, लेकिन इस दौरान महिलाओं को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से गुजरना पड़ता है। इस दौरान कई तरह के शारीरिक और मानसिक बदलाव भी होते हैं जो एक महिला को परेशान कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान में महिलाओं को अपने खान पान से लेकर के लाइफस्टाइल तक अतिरिक्त ख्याल रखना जरूरी होता है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। इनमें से एक है कि प्रेगनेंसी के कितने महीने तक शारीरिक संबंध बनाना सुरक्षित होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आमतौर पर प्रेगनेंसी के दौरान शारीरिक संबंध बनाना सुरक्षित होता है। आप भी प्रेगनेंसी के दौरान शारीरिक संबंध बना सकती हैं। अगर आपके डॉक्टर ने मना नहीं किया है तो आप शारीरिक संबंध बना सकते हैं। शुरुआत के 6 महीने में शारीरिक संबंध बनाना काफ़ी हद तक सुरक्षित होता है, लेकिन अगर डॉक्टर ने शारीरिक संबंध ना बनाने की सलाह दी है तो उसका पालन करना जरूरी है। आपको बता दें कि प्रेगनेंसी के पहली तिमाही और दूसरी तिमाही में शारीरिक संबंध बनाना पूरी तरह से सुरक्षित होता है। कुछ मामलों में तीसरी तिमाही में सेक्स करने से बचने की मैं सलाह देता हूँ, लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है तो डॉक्टर आपको सावधानी के साथ सेक्स करने की सलाह दे सकता है। लेकिन सेक्स करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर बात करें, उसके बाद ही आप सेक्स करें अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है तो। वहीं कुछ मामलों में प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में भी शारीरिक संबंध बनाने से मना किया जाता है, ऐसे में आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है तो तुरंत अपने लेडी गायनिक डॉक्टर से बात करें और उससे सही सलाह लें। प्रेगनेंसी के दौरान शारीरिक संबंध बनाते समय इन बातों का आपको ध्यान रखना है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको शारीरिक संबंध बनाते समय कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना होगा। प्रेगनेंसी के दौरान संक्रमक बीमारी होने पर शारीरिक संबंध बिल्कुल ना बनाएं। अगर आपके पार्टनर को यौन संचारित रोग है तो भी सेक्स करने से बचें। डिलीवरी डेट से कुछ दिन पहले शारीरिक संबंध बनाने से बचें। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिन बेहद नाजुक होते हैं, इसलिए इन दिनों में भी सेक्स करने से बचना होगा। तो मैंने आपको क्या बोला है आपकी समझ में आया होगा, फिर मैं रिपीट कुछ मेन पॉइंट करना चाहता हूँ। प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में अगर आप कंफर्टेबल हैं, पहले और तीसरे ट्राइमेस्टर में आपको सेक्स करने से बचना चाहिए। कंफर्टेबल हैं तो ही आप करें। अगर कोई बीमारी पहले ट्राइमेस्टर में आपको है या आपको पार्टनर को है तो बिल्कुल भी सेक्स ना करें। देखो, ये कॉमन वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, और आपकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, आपकी डिलीवरी में कितना आपका बच्चे का साइज है, मतलब ज़्यादा वजन है कम है मुझे नहीं पता, इसलिए ये कॉमन वीडियो है। आप कोई भी एडवाइस लेना है तो आपकी लेडी गायनिक डॉक्टर जो है उससे आप एडवाइस लें, वो जैसा बोले वैसा ही आपको फॉलो करना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।